स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल डिज्नी न्यूज नेटवर्क इंडिया पे। और गाइस बहुत ही बड़ा थैंक यू आप सभी के लिए, क्योंकि हमारा फैमिली हो चुका है 200 सब्सक्राइबर्स का। जी हाँ गाइस, हमारा चैनल पहुंच चुका है 200 सब्सक्राइबर्स तक, मतलब यार लिटरली 200 सब्सक्राइबर्स। तो अभी अगला गोल है 500 सब्सक्राइबर्स पूरा करवा दो यार, क्यों इतना वेट करवाते हो। सो यार 500 सब्सक्राइबर्स फटाफट से कंप्लीट करवा दो। सो यार मैंने आपको बताया था कि पोकेमोन जर्नीज जो है वो ऑफिशियली हिंदी डब हो रहा है। जी हाँ गाइस, पोकेमोन जर्नीज जो है ऑफिशियली हिंदी डब हो रहा है और इंडिया में आने वाला है जल्द ही। तो इसके रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं कि क्या है क्या नहीं, सब पूरा डिटेल्ड बात करने वाले हैं। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना यार, क्या है क्या नहीं सब कुछ बात करने वाले इस वीडियो के अंदर इसके बारे में। सो इसीलिए पूरा का पूरा वीडियो बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। और गाइस सब्सक्राइब भी कर लो, हमारा अगला गोल कंप्लीट करवा दो, यानी कि 500 सब्सक्राइबर्स फटाफट से कंप्लीट करवा दो यार, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दो। ऐसे ही बहुत सारे ओपी अपडेट्स अब तक पहुंचते रहेगा इसी चैनल पे नोटिफिकेशन के रूप में, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना और इसके साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक करना भी ना भूलिए, वरना यू नो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और बहुत सारे ओपी अपडेट्स मिस कर सकते हो आप लोग। तो इसलिए बेल आइकन भी ऑल पे क्लिक करना ना भूलिए। तो ये सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दो और इसके साथ वीडियो को भी लाइक कर दो, ताकि मुझे पता चले कि वीडियो पसंद आया कि नहीं आपको, और इसके साथ मोटिवेशन भी मिले मुझे, और इसके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना, ज्यादा लोगों को ऐसे ही ओपी अपडेट पता चले। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। जंगल आने वाला है ऑफिशियल हिंदी डब में इंडिया में नेटफ्लिक्स के ऊपर, एंड मैंने ट्रेलर भी डाल दी थी जो कि नेटफ्लिक्स के द्वारा रिलीज हुई थी। सो या उसमें ऑफिशियल वॉइस एक्टर्स ही हैं जो कि डिज्नी इंडिया में डब करते हैं। जी हाँ गाइस, यानी कि एश केचम का वॉइस जो है उसे नजीके दिगे सर ने दिया है और बाकी वॉइस एक्टर्स को लाइक जैसी जेम्स मियाउत वगैरह। सो या वो जो ट्रेलर है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जाके जरूर से देख सकते हो यार। तो यार जो लास्ट टाइम मिला था हमें अपडेट वो इट्स स्वीप सेंट्रल से मिला था, और इसके साथ इस बार भी उनसे ही मिला है ये इन्फॉर्मेशन कि पोकेमोन की जो जर्नीज की सीरीज है ना वो हिंदी में ऑफिशियली डब हो रहा है। जी हाँ गाइस, एज आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो कि उनके द्वारा पोस्ट किया गया एक पोस्ट। सो गाइस यहाँ उन्होंने डाला है पोकेमोन जर्नीज यानी कि सीजन 23 हिंदी में ऑफिशियली डब हो रहा है। तो हम बात करते हैं कि ये आखिरकार चैनल पे आने वाला है, टीवी चैनल्स पे या फिर नेटफ्लिक्स के ऊपर। लाइक टीवी चैनल मतलब कि कार्टून नेटवर्क पे आ सकता है, मतलब बहुत चांसेस तो नहीं है यार कि कोई टीवी चैनल पे आ सकता है कि नहीं, और इसके साथ नेटफ्लिक्स पे आ सकता है कि नहीं। तो इसके बारे में बात करें तो ये आई एम डैम श्योर कि ये नेटफ्लिक्स पे ही आएगा। जी हाँ गाइस, क्योंकि उन मतलब कि नेटफ्लिक्स के पास ऑलरेडी उसका यानी कि पोकेमोन जर्नी जो है उनके पास ऑलरेडी है, जो कि यूएस में ऑलरेडी स्ट्रीम हो रहा है, एंड वो शायद से बहुत ही दूसरे देशों में भी वो डालना चाहते होंगे, तो इसलिए इंडिया में भी रिलीज कर रहे हैं, और एज वेल एज वीप सेंट्रल ने भी यही कहा है। तो अभी बात करते हैं कि ऑफिशियल वॉइस एक्टर कौन होंगे इसका, एंड ऑलरेडी आपको बताया कि नेटफ्लिक्स इंडिया किससे डब करवाते हैं पोकेमोन को। जी हाँ गाइस, पोकेमोन कोको को भी उन्होंने डब करवाया था डिज्नी के ऑफिशियल डबिंग एक्टर से ही, एंड इस बार भी वही होगा। आई एम डैम श्योर, पूरा पूरा यकीन है कि वो ऑफिशियल हिंदी वॉइस एक्टर ऑफ डिज्नी इंडिया पोकेमोन का उनसे ही डब करवाएंगे। और गाइस बीच में इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, बट हाँ आपको अगर ऐसे ही बहुत सारे ओपी अपडेट्स चाहिए तो यार सब्सक्राइब कर लो अभी क्या अभी, और इसके साथ बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दो यार, आपको ऐसे ही ओपी अपडेट्स बैक टू बैक मिलते रहेंगे, जब भी अपडेट्स आएंगे तब तब मिलता ही रहेगा आपको। तो इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना ना भूले। सो यहाँ आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सो अभी बात करते हैं कि कब तक ये आ सकता है नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो गाइस एज पोकेमोन मूवी का कोको जो है, पोकेमोन द मूवी कोको, वो नियरली एक महीने तक ही उन्होंने डबिंग के लिए टाइम लिया है, एंड उन्होंने कंप्लीट भी कर दी।
सो मेरे असम्पशन के मुताबिक हो या ना हो 2 months का टाइम तो लगेगा ही उनको, और इसके साथ सीरीज के आगे मतलब कि सीरीज का जो आगे वाला पार्ट है या आगे वाला एपिसोड्स उसे भी डब करना पड़ेगा उनको। सो यहाँ 2 months के अंदर वो स्टार्ट हो जाएगा स्ट्रीम होना नेटफ्लिक्स के ऊपर, और इसके साथ हिंदी डब में हमें देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ वी सेंट्रल से मुझे याद आया कि हमारा भी इंस्टाग्राम पेज है। जी हाँ गाइस, हमारा भी इंस्टाग्राम का पेज है, फॉलो मी एट डिज्नी न्यूज नेटवर्क इंडिया, जरूर से फॉलो कर देना यार, और इसके साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और इसके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इस वीडियो को यार, ताकि ज्यादा लोगों को पता चले कि ऐसा ही हो रहा है, मतलब ऐसा सब कुछ हो रहा है। सो इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद और इसके साथ फॉलो भी करने के बाद शेयर भी कर लेना, एंड या वीडियो को लाइक भी कर देना यार, मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आए कि नहीं, और इसके साथ मोटिवेशन भी मिलता है। सो यार सबको ये सब कर लो। सो बस इतनी थी हमारा आज का वीडियो, मिलता हूं आपसे किसी और दिन किसी और नए वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ सायोनारा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।